थोक वस्त्र व्यवसाय वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर की इकाई ने प्रदेश के अंदर ईवे बिल हटाने के संबंध में मुख्यमंत्री से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इन कपड़ा व्यवसायियों का कहना है कि प्रदेश के अंदर ईवे बिल बनाकर आ रहा है, कोई भी माल बिना ईवे बिल का नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टर बिना इनके माल नहीं ले रहा है, जिससे उन व्यापारियों को व्यापार करने में दिक्कत आ रही है। अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन को मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए व्यापारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए थोक वस्त्र व्यवसाय वेलफेयर सोसाइटी के मनीष सराफ ने अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखा। हम लोगों को जो रिटेलर जिसको हमको कपड़ा बेचना है उनके भी सारे रिटर्न हम ही लोगों का माल जो बेच रहे हैं 50,000 के ऊपर सब हम ही लोगों को ईवे बिल निकालना पड़ रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट निकाल रहा है, उससे माल और लेट हो। जब इंटरस्टेट में पहले परेशानी होता था यार, जगह रुकता है, जगह रुकता है, वो चीज़ें में दिक्कत नहीं। हाँ, वो सब कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत तो मेन ये हो रही है कि हम जैसे ग्राहक है, मान लीजिए 5 लाख रुपये का कपड़ा उसने तुरंत ले लिया, अब हम उसका बिल निकालना पड़ रहा है हमको, तो माली नहीं समय से जा पा रहा है। हम उसी मतलब कागज में ही क्या संशोधन चाहते हो? हम लोग ये चाहते कि केंद्र सरकार की योजना नहीं, ये यूपी सर, यूपी की सर, इन्होंने यूपी ने जोड़ा, जबकि गुजरात में नहीं है। गुजरात में कपड़े को बाहर कर दिया, मतलब वो ईवे बिल से। जी, ईवे बिल से हम लोग चाहते कपड़े व्यापार को ईवे बिल से मुक्त किया प्रदेश। हम लोग जीएसटी से माल आ रहा है, जीएसटी से सर माल बिक रहा कहीं कोई सर एक पानी छोटी छोटी सिला हुआ शायद कपड़ा का जीएसटी वो तो रेडीमेड हो गया सर, ये हम लोग का कपड़ा है, ये हम कपड़ा में जीएसटी शायद नहीं है। 5% हम लोग उससे दिक्कत होने के बाद व्यापारी को कपड़ा जा नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। व्यापार ये जो छोटे छोटे कंपनी के नाम हम सर सर ठीक है। ईवे बिल से रिटेलर व्यापारी को बहुत दिक्कत हो रही है, माल लाने ले जाने में बहुत समस्या हो रही है, ट्रांसपोर्टर माल नहीं ले रहा ईवे बिल के बगैर, और हम लोग के यहाँ ईवे बिल निकालने की सुविधा नहीं है, कभी नेट नहीं चलता है, कभी कुछ कोई समस्या आती है, ईवे बिल निकल नहीं पाता है, इसके कारण से माल हमारी दुकान पर ही पड़ा रहता है, समय पर व्यापारी को माल नहीं पहुँच पाता है, व्यापारी को माल नहीं पहुँचने से सारी सेल ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ईवे बिल को हटा दिया जाए। गुजरात में नहीं है और बाकी स्टेटों में, काफ़ी स्टेटों में ईवे बिल की व्यवस्था नहीं है और हमारे यूपी में खाली है। डीएम साहब से मिलने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा है हम इसको ऊपर भेज के योगी जी के पास भेज के इसको लागू करवाएंगे। गुजरात में भी ईवे बिल नहीं है हमारे प्रदेश है, कपड़े को बाहर किया गया ईवे बिल में।